हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी सूवी। क्या हाल चाल है? अभी एक इंटरेस्टिंग सी मूवी देखी, इसका नाम है द क्लोन्ड टेरियन। और ये जो मूवी है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। क्यों लगी वो बताता हूँ। जब कभी ऐसा होता ना कि कोई एक मूवी देख रहे होते हो और आप बोलते हो कि यार ये क्या एलिमेंट है इसके अंदर, ऐसे ऐसे स्टोरी चलेगी, अचानक से कोई यू टर्न ही हो जाता है। और जो यू टर्न होता है वो काफ़ी सरप्राइजिंग होता है। यहाँ पर कुछ इसी तरीके का है, जिसकी वजह से इसका जॉनर जो है वो साइफाई कॉमेडी है, जिसके अंदर क्राइम भी है। तो इतने सारे एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट नॉट दैट मच। इसके अंदर जो सस्पेंस का एलिमेंट है, जो इंट्रीगनेस है, वो काफ़ी बढ़िया है। नेटफ्लिक्स में हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगी। मेरे लिए देखने का रीज़न था जेमी फॉक्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा जॉन बोयेगा बहुत ही बढ़िया एक्टर है, देखना। और फिर उसके बाद तेओना पेरिस भी हैं इसके अंदर, आपने डीसी टाइटन्स के अंदर इसको देखा होगा। योयो नाम है इसका, नाम योयो हनी सिंह नहीं है। तो कहानी तीन लोगों की है, एक ड्रग डीलर है हु इज लूजिंग हिज टीम, वो थोड़ा कंपटीशन उसका बढ़ गया है जिसकी वजह से उसको लोग थोड़ा कम सीरियसली ले रहे हैं। एक जो इंसान है वो पिंप है और लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश टाइप का है, जो रोल जेमी फॉक्स ने किया है। फिर उसके अलावा योयो वाला जो रोल है वो एक जो क्या कह सकते हैं उनको, अगर सरल भाषा में बोला जाए तो वो सेक्स वर्कर है, ठीक है। अब ये तीनों की कहानी अलग अलग चल रही है, लेकिन एक दिन इंटरट्वाइन हो जाती है जब चार्ल्स यानी कि जेमी फॉक्स पैसे नहीं दे पाता जो वो ड्रग खरीदता है फाउंटेन से। तो फिर उसके बाद फाउंटेन भाई साहब को हो जाता है थैंक यू किसी वजह से, यानी कि वो मर जाता है, लेकिन अगले दिन वो फिर उठ जाता है। अब यहाँ से सिलसिला जो है वो कुछ और शुरू हो जाता है। जब वो उठता है वो खुद ही देखता है कि यार ये तो मेरे को याद है मेरा मर्डर हुआ था, और ये सिलसिला क्या है। और वहाँ से उनको क्या क्या खुलासे होते हैं, क्लोनिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो तो आपके टाइटल के अंदर ही है क्या साइफाई एलिमेंट होते हैं, कौन ये करा रहा है और स्पेसिफिकली फाउंटेन के साथ ये क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जो यहाँ पर एलिमेंट यूज़ किया गया है सटायर का, चाहे वो रियलिस्टिक सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करी गई हो, लोअर इनकम स्ट्राटा की जो स्ट्रगल है दिन सारे टाइम की, चाहे वो ड्रग लॉर्ड क्यों बना, चाहे वो सेक्स वर्क क्यों बनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको रियलिस्टिक लगेगी। साथ में जैसे ही मूवी का जो अचानक से शिफ्ट होता है जहाँ पर ये साइफाई बन जाती है, वहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपके दिमाग में जो चल रही होंगी वो आप स्क्रीन पे भी विटनेस कर रहे होगे, और वो पार्ट एंड पार्सल बन जाओगे उसके साथ, तो इंगेजिंग हो जाएगा। साथ ही साथ में ये जो मूवी है वो 1970s के दौर के अंदर है, तो जो कार हैं, फ्लिप फोन्स हैं, बूट्स हैं, उस तरीके के जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही एस्थेटिकली इसको प्रेजेंट किया गया है, और एक्टिंग के अंदर भी ज़बरदस्त वेरिएशन है। जहाँ पर आप देखोगे कि बोयेगा जो एक ऐसा ड्रग लॉर्ड है जो हुज लूजिंग स्टीम, उसकी रिस्पेक्ट कम हो रही है, तो वो जो रिफ्लेक्शन है कि मैं अथॉरिटेटिव भी दिखाऊँ और मैं ऐसा भी दिखाऊँ कि भाई मेरी रिस्पेक्ट कम हो रही है तो मुझे गेन कैसे कराने, थोड़ा आर्टिफिशियलनेस आ जाती है, वो अच्छे तरीके से दिखाया। जेमी जो है उसने जो पिंप का रोल किया है वो अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर आके, तो वो कैसे दिखता है। लास्टली जो तेओना है जिसका योयो का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और एट द सेम टाइम स्मार्ट और फनी भी है। तो जो फनी तो खैर सारी मूवी है वो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, जिसकी वजह से आप इंगेज हो जाओगे। एडिटिंग भी बहुत शार्प है, स्टाइलिश तरीके से शूट हुई है, सोशल कॉमेंट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आपको दिख जाएगी। लेकिन जो एंडिंग है वो थोड़ी सी कन्वीनियंट फॉर श्योर, वो इसका थोड़ा सा डाउनसाइड ज़रूर है कि विदाउट टू मच ऑफ एन एक्सप्लेनेशन वो एंड हो जाती है। कैसे एंड हो जाती है वो आप खुद फिगर आउट करना, बट ब्रॉडली आई थिंक यू विल एंजॉय द मूवी। मेरा मूवी शू स्कोर इस अच्छे ब्लेंड के लिए, जो कि साइफाई भी है, कॉमेडी भी है, थोड़ा सा क्राइम भी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, वो विल 8/10। एंटरटेनिंग कूब है जिसमें देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, जिसका ये भी रिफ्लेक्शन है कि डायरेक्शन अच्छी है और जो स्क्रीन प्ले जो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर वो आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करता है। जो स्टार है रियल में इसके अंदर जेमी फॉक्स है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन लाता हुआ नज़र आएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।